हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अशोक गहलोत 19 नवंबर को सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल करेंगे। इसके लिए वे रविवार को दोपहर में वायु मार्ग से जोधपुर पहुंचे। जोधपुर पहुंचने पर उनका कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। उनके स्वागत के लिए सैलाब उमड़ पड़ा। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज दोपहर में जोधपुर पहुंचे। यहां एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए कई भाजपा नेता और कार्यकर्ता पहले से उपस्थित थे। इनमें कांग्रेस की तरफ से टिकट मिलने वाले सभी प्रत्याशी भी मौजूद थे। एयरपोर्ट से बाहर आने पर इन सभी ने गहलोत का जोरदार स्वागत किया। उन लोगों ने अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे भी लगाए। बता दें कि अशोक गहलोत सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस की पहली सूची में ही उनके नाम की घोषणा कर दी गई थी। वे यहां नामांकन दाखिल करने के लिए जोधपुर आए हैं। नामांकन दाखिल करने से पूर्व वे पावटा चौराहा के समीप आम सभा को संबोधित करेंगे। बरसों से गहलोत का नियम रहा है कि किसी चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के साथ वे पावटा चौराहे के समीप अपने समर्थकों की एक सभा को संबोधित करते हैं। इस बार भी वे 19 नवंबर को नामांकन दाखिल करने से पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सभा को संबोधित करेंगे। सभा में जिले भर के प्रमुख कांग्रेसी शामिल होंगे। कांग्रेस नेताओं ने इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली है। सभा के बाद करीब 2 बजे वे नामांकन दाखिल करेंगे। उनके साथ ही अन्य कांग्रेसी प्रत्याशी भी नामांकन दाखिल करेंगे। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।